अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर न पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नेक लोगों के साथ बेअदबी से पेश आना बदबख्ती की अलामत है। जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। पैसे बनाओ, रिश्ते लोग खुद बनाएंगे। तुम आखरत को लाजमी तौर पर इख्तियार करो, फिर दुनिया तुम्हारे सामने हकीर होकर आएगी। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। हलाल और हराम पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ होता। जो चीज़ हमें फ़र्क करवाती है वो खौफ़े खुदा है। गुनाह को तर्क करना तौबा करने से ज़्यादा बेहतर है। क्या पता अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए तुम्हें टूटना पड़े और तुम्हारा टूटना ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ना हो। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा भी कमाल है। सब कुछ देकर कहता है और है कोई मांगने वाला। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। हया और कम बोलना ईमान की शाखें हैं और दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है।